नमस्कार दोस्तों, यह है सान टाइम्स वीडियोज। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के सबसे बड़े सदर बाजार में, जहां पर आज से यहां के व्यापारियों ने शुरू किया है काली पट्टी बांधकर और रिबन का विरोध। मेरे साथ फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह परमा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विरोध किस चीज़ को लेकर के है आपका? देखिए, पहले तो सरकार ने किया कि नाइट कर्फ्यू, फिर ऑड एंड इवन कर दिया, फिर दो दिन का जो लोग कर्फ्यू लगाकर मार्केट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। हमारा विरोध है कि जब सारी मार्केटें खुली हैं, दिल्ली के बाहर की खुली हैं, दिल्ली की मार्केट के ऊपर क्यों लगाम लगाई जा रही है? हम दो दिन दुकान खोलेंगे तो कैसे खर्चे निकालेंगे? आज हालत ये हो चुकी है व्यापारी की, ना तो वो घर के खर्चे निकाल पा रहा है, ना अपने ऑफिस के निकाल पा रहा है, किसी प्रकार का भी काम नहीं हो पा रहा, और जो बाहर का व्यापारी है वो भी नहीं आ पा रहा। तो इसको लेके हमारा विरोध है कि सरकार से हमारी मांग है जो 5 दिन का ऑड एंड इवन है ये ख़त्म किया जाए, और 2 दिन का जो इन्होंने कर्फ्यू वो भी ख़त्म किया जाए। बेशक टाइम शाम का कम कर दिया जाए, जो 8 बजे तक का टाइम है बेशक 6-7 बजे तक कर दिया जाए, मगर इस प्रकार हम काम नहीं कर पाएंगे। हमने आज काली पट्टियाँ बांध कर इसका विरोध जताया है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम बुधवार को पूरे मार्केटों में थाली खड़काएंगे। आपको लगता है कि ये विरोध से कुछ सरकार को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, हमेशा विरोध से ही सरकार जागती है। जब सरकार वैसे नहीं जाग रही, हम पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे, मगर अब हद पार हो चुकी है। 2 हफ्ते हमने देख लिया, सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। हम अब यही सोच रहे हैं कि हम या तो सड़कों पे उतरें, अपनी दुकानें बंद कर हम रोड पे बैठेंगे। जब पहले ही सरकार ने हमारे हाथ में कटोरा दे दिया है तो फिर हम क्यों शर्म करें? क्योंकि हम जब अपनी लेबर के पैसे नहीं दे पाएंगे, अपने स्टाफ के नहीं दे पाएंगे, स्कूल की फीसें नहीं भर पाएंगे, EMI नहीं भर पाएंगे, तो दुकान खोल के क्या करेंगे? तो इससे हमारा विरोध है। हमारा व्यापारी सरकारों के निर्णय से बहुत दुखी है। हम चाहते हैं कि कोरोना की बीमारी से मुक्ति मिले, लेकिन सरकारों ने पट्टी लगवा कर ये प्रूव कर दिया कि वो एक आडंबर रचा हुआ है व्यापारियों के लिए। इसमें हमें लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, पटरी माफिया का हमारे व्यापारियों के खिलाफ एक मुहिम चली हुई है, जिसका आज विरोध हमारे व्यापारियों ने काली पट्टी बांध के किया। अगर सरकारें नहीं जागी तो हम लोग इसके लिए आंदोलन बढ़ाएंगे। कोरोना की बीमारी को देखते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, लॉ की अम्ब्रेला में काम करते हुए हमने ऑड इवन का पालन किया, लेकिन ऑड इवन सिर्फ दुकानदारों के लिए हुआ, बाकी और कहीं ऑड इवन नहीं आता। आप पट्टी देखिए, प्रॉपर पट्टी लग रही है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर। क्या करें हम लोग? कहाँ से दें बच्चों की फीस, कहाँ से दें अपने एम्प्लॉई की फीस? 10 दिन दुकानें खुलती है महीने के अंदर, 10 दिनों के अंदर हमारा व्यापारी कैसे व्यापार करे? हमारा व्यापारी बहुत दुखी है, परेशान है, उनके बच्चों की हाय मत लो। राजनीतिक दल जब रैलियाँ होती हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी गोवा में विजिट करते हैं, कि क्या वो माइग्रेट नहीं करें कोरोना की बीमारी को? व्यापारियों को जवाब दें। आखिर व्यापारी रोजी रोटी, व्यापारी ने कौन सा पाप कर दिया दुकानें खोलकर? कौन सा पाप कर दिया? सरकार को टैक्स देकर दिल्ली का अगर डेवलपमेंट होता है, सरकार आर्थिक तंत्र को ख़त्म ना करे। और ये जो ऑनलाइन वालों की जो हमारे खिलाफ मुहिम चली हुई है, फार्मेटी कंपनी की चली है, इन पर गौर करते हुए पटरी हटवाएं और पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाएं। ना दुकानदार इंक्रोचमेंट कर सकेगा, ना पटरी वाला लग पाएगा। उनका टाइम मैनेजमेंट करें ताकि ये बीमारी से भी मुक्ति मिले और व्यापार भी हो सके और हम बच्चों का पालन पोषण कर सकें। हर तरीके से दुखी हो चुका है, ना परेशान चुका है, अब लग रहा है कि हमें यहाँ से दुकानें बेच के कहीं और जाना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज देखो ना, आज कनाडा UK क्यों जा रहा है, जंग ब्लड क्यों जा रहा है, इसी वजह से जा रहा है। यहाँ कैरियर ही नहीं है हमारा दुकानदार भाइयों का जो है। आज हमारे बच्चे यही बोलते हैं हमारे को, पिताजी आपने कमाया क्या सारी जिंदगी लग के, आप बताओ, हड़ताल ही करते रह गए हो आप। तो आज देखो हमने रिबन बांध रखे हाथ के ऊपर, वो दुख है इस बात का हमारे को जो है। पटरी बाजार जैसे यादव जी ने कहा कि पूरा लगा हुआ है, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टाइमिंग थोड़ा कम कर दो, कि जो अगर आप 8 बजे का टाइम करते हो होलसेल मार्केट का, आप उसको 6 बजे का टाइम कर दो, टाइमिंग कम कर दो, लेकिन दुकानें रोज़ खुलनी चाहिए ताकि कारोबार चल सके। आप बताओ, महीने में जो अगर 8 दिन दुकानें खुली, किस चीज़ का कर्जा उतारेंगे हम? बताओ, जो लोन हमने ले रखे हैं बैंकों से वो तो छोड़ेंगे। ऑड इवन बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑड इवन बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑड इवन बंद करो, बंद करो, बंद करो, व्यापारियों के सामने जाए मत करो, मत करो, मत करो, व्यापारियों के सामने जाए मत करो, मत करो, मत करो, ऑड इवन बंद करो। इसी तरीके से आप देखते रहिए सान टाइम्स वीडियो। धन्यवाद।